यस, रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज वाल्ड का कहना है कि अगर वर्तमान दुनिया खत्म हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी, विराम। उसके अनुसार यह कहना गलत है कि शस्त्रों की दौड़ के लिए कई राष्ट्र जिम्मेदार हैं, विराम। आज केवल अमेरिका ही मौत का सबसे बड़ा सौदागर है, विराम। वह सच्चा लोकतंत्र नहीं, एक दलीय तानाशाह है, जहां परमाणु हथियारों का विरोध करने वाली राजनीतिक शक्तियों का अभाव है, विराम। उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में बताया कि अमेरिका का शासक वर्ग किस हद तक दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है, विराम। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार सबसे पहले अमेरिका ने बनाए और प्रयोग किए, और फिर भी कहता रहा कि वे तो आत्मरक्षा के लिए हैं, विराम। आज अंतरिक्ष युद्ध के हथियार भी वही बना रहा है और कह रहा है कि वे दुनिया के सारे परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों बातें झूठी हैं, विराम। पहरा, अमेरिका का इरादा हमेशा आक्रमण का रहा है और धीरे धीरे उसने युद्ध के इस तामसिक इरादे को अपना व्यवसाय बना लिया है, विराम। अमेरिका की समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य उसका युद्ध उद्योग है, विराम। हथियारों के कारखानों को राष्ट्रपति रेगन ने खुली छूट दे रखी है, विराम। यह आश्चर्य की बात है कि हथियार बनाने वाली कंपनियां सबसे अधिक मुनाफा कमा रही हैं और सबसे कम आयकर दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका को इन भयानक हथियार बनाने वाली कंपनियों का कितना ख्याल है, विराम। दुख की बात है तो यह है कि हम असहाय वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के अलावा इस देश में कोई ऐसा संगठित वर्ग नहीं है जो राज्य के इन सत्यानाशी इरादों के खिलाफ आवाज उठा सके, विराम। पहरा, अमेरिका में दो पार्टी व्यवस्था पेश हो चुकी है, विराम। दोनों पार्टियां एक ही रथ के दो पहियों की तरह हैं, विराम। युद्ध उद्योग की तानाशाही के आगे दोनों पार्टियां नतमस्तक हैं, विराम। अमेरिका की आम जनता इन राजनीतिक दलों की चाल को समझने में असमर्थ है, विराम। लोकतंत्र युद्ध तंत्र में बदल गया है, विराम। अखबारों में वे खबरें छपने नहीं दी जाती जो परमाणु परीक्षणों की पोल खोलती हैं, विराम। उन्होंने अपने भाषण के अंत में अमन पसंद लोगों से अपील की कि वे संगठित होकर परमाणु हथियारों तथा परीक्षणों के विरुद्ध आवाज उठाएं, विराम। उन्होंने निरस्त्रीकरण के लिए की गई दिल्ली घोषणा की तथा भारत द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयत्नों की सराहना की और कहा कि आज आवश्यकता ऐसे देशों की है जो इस संबंध में आगे आकर स्थायी शांति के लिए प्रयत्नशील हों, विराम।